अम्मा कहली बेटी नीति उठी आई हा, बाबा कहिने छवा मास हे, भैया कहिने दीदी काज परोजन, भाभी कहेली कावन काम है, भाभी कहेली कावन काम है, चिटू की ना सिंदूरा महंग भैले बाबा, चुंदरी भैला अनमोल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुबे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि करवा चौथ में कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, किस बात की हमें बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए। इसके लिए मैं आपके साथ सात टिप्स, मतलब सात नियम, सात बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपसे मतलब जाने अनजाने में भी ये गलतियां ना हो। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो सात गलतियाँ क्या हैं, सात भूल क्या हैं जो हमें जाने अनजाने में भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो पहला नियम है वो क्या है कि देखिए, ऐसे तो मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जो हम डेली अपने घर में सिंदूर इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस सिंदूर में से जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो सुहागिन औरतें हमारे घर में आती हैं, हमारी भाभी दीदी मतलब चाची जो ही आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिंदूर इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। वो आपके सिंदूर में से सिंदूर इस्तेमाल आपके डिब्बे में से कर सकती हैं। सिंदूरा का सिंदूर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन करवा चौथ के व्रत के दिन आपको अपनी सिंदूर में से ना, मतलब उस दिन, बस उसी दिन, बाकी दिन आप जो सिंदूर इस्तेमाल करते अपने घर में प्रतिदिन, उसमें से अगर कोई आपके घर में दो चार दिन के लिए आता है तो इस्तेमाल कर सकता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रोकने वाली बात नहीं है, एकदम आराम से कर सकता है। सिंदूरा दूसरे का दूसरा कोई यूज नहीं करता, लेकिन कई ऐसे राज्यों में सिंदूरा लोग यूज करते हैं छठ पूजा में, उसी से सबके मांग जो है भरते हैं और अपना भी मांग भरते हैं। तो सब राज्य के नियम थोड़ा सा अलग हैं, लेकिन सिंदूरा ऐसा माना जाता है कि उसमें से नहीं भरते हैं, लेकिन प्रतिदिन वाले जो सिंदूर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से मांग आप भर सकते हैं और दूसरे भी उसमें से भर सकते हैं। लेकिन करवा चौथ के दिन आप अपनी सुहाग की चीज़ें मतलब नहीं देनी चाहिए, ना लेनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। वो भाभी का हो, दीदी का हो, जैसे हम विवाह शादी में व्रत त्यौहार में आप देखते हैं ना, अगर दो चार हम औरतें बैठ जाते हैं, मतलब अपने ही घर के लोग, तो हम एक दूसरे का चीज़ें शेयर करते हैं, ये तुम्हारे में ये लिपस्टिक कलर है, आपके में ये कलर है, ये चूड़ी है, और हम मैचिंग मिलाकर पहनकर कहीं तैयार होकर तुरंत बारात आने वाली रहती है या कोई व्रत रहता है तो हम बड़ा जल्दी से तैयार हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, लेकिन करवा चौथ ऐसा व्रत है ना कि व्रत के दिन बाकी दिन आप दे सकते हैं। देखिए, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है, क्षण भर किसी को पहनकर कहीं अपनी इज्जत पे जाने के लिए आप एकदम आराम से दे सकते हैं, लेकिन करवा चौथ के दिन आपको ना किसी को कुछ देनी चाहिए, मतलब देखिए जो सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा सा समझनी चाहिए कि ये आदमी नहीं दे रहा है तो चलो आज करवा चौथ है, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि चलो बुरा मान जाते हैं, ये अपना ये चीज़ नहीं दे रही है, तो करवा चौथ के दिन सुहाग की चीज़ें थोड़ा सा मत दीजिए, ना आप किसी का लीजिए, ये भी मत कीजिए, क्योंकि ना देना शुभ होता है ना लेना। जितना भगवान का दिया हुआ आपके पास है, जो ही है, ऐसा नहीं कि मेरे पास ये मेकअप नहीं है तो उनसे हम मांग ले, मांग कर उस दिन आपको अपना श्रृंगार नहीं करनी चाहिए।
जितना ही है जो ही है उतना ही मैं आपको अपना श्रृंगार करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि करवा चौथ में ना कभी भी मतलब उल्टे सीधे कलर आपको नहीं पहनने चाहिए। जो ही वस्त्र सूट पहन रही हैं, लहंगा पहन रही है, शादी का जोड़ा पहन रही हैं, साड़ियाँ ले रही हैं, आपको भले ही वो कोरा साड़ी मत हो। कोरा मतलब नया। आप लोग पूछने लगते हैं दीदी कोरा क्या होता है, तो कोरा साड़ी में अगर नया साड़ी नहीं है तो वो चलेगा, लेकिन उल्टी सीधे मतलब रंग के साड़ी आपको नहीं पहनने चाहिए। रंग बिरंगा साड़ी पहनकर ही आपको करवा चौथ का व्रत करनी चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है मेरी अधिकतर बहनों को, माताओं बहनों को ये बात मालूम होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि कभी भी पुराना करवा इस्तेमाल न करें। क्यों ना करें, क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन है ना, मैं बता चुकी हूँ फिर भी बता रही हूँ कि मिट्टी का पात्र जो है ना वो अशुद्ध हो जाता है। एक बार उसको अगर उससे पूजा पाठ आप कर लिए तो उसको अशुद्ध माना जाता है। तो करवा कम से कम आप बदल लीजिए। नहीं है तो लोटे में आराम से कलश रख सकती हैं, करवा रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि चलनी आप लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, हर साल पूछते हैं कि दीदी चलनी नया ले या पुराना ले। तो देखिए चलनी जो है पुराना भी चल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा टूटी फूटी चलनी में हमें चांद को छलनी में नहीं दिखनी है। चलनी या छलनी जो ही आप लोग बोलते हैं उसमें टूटे शुभ नहीं होता। किसी भी चीज़ में टूटा चीज़, क्रैक चीज़, ये सब शुभ नहीं होता। अगर वैसा है तो हटा दीजिए, अगर सही कंडीशन में है तो आप इस्तेमाल एकदम आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम है कि आपको ना जैसे कभी भी चूड़ियाँ भी मतलब सेलेक्ट कर रही हैं तो चूड़ियों के चयन में भी ध्यान रखिए कि एक तो कलरफुल चूड़ियाँ आपको पहननी है, दूसरी क्या बात हो गई कि चूड़ियाँ कभी भी चिटकी हुई चूड़ियाँ आप करवा चौथ में ना पहने। कितनी भी वो महंगी चूड़ी हो, कॉस्टली हो, चिटकी जो क्रैक हो गया है जैसे छूट जाता है ना थोड़ा सा, वो ज्वाइंट से वो हट जाता है, ज्वाइंट उसका खुल जाता है, तो वैसी चूड़ी आपको नहीं पहननी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दो चार ही पहनी है, लेकिन फूटी टूटी चिटकी हुई चूड़ियाँ, क्रैक चिटकी हुई चूड़ियाँ मतलब आप लोग बोलते हैं क्या होता है, क्रैक चूड़ी आपको नहीं पहननी चाहिए। पहनते वक्त ध्यान रखिए अगर जो चिटक गई है चूड़ी उसको एकदम ध्यान से हटा दीजिए। ये भी हो गया। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है कि करवा चौथ में ना आपको जैसे अपने सिंदूरा से सिंदूर अवश्य लगानी चाहिए। अगर आपका सिंदूरा आपके पास है तो उसी से आपको सिंदूर लगानी चाहिए, और पति से बहुत सारी महिलाएं जो हैं सिंदूर लगवाती हैं, तो ये ऐसा अशुभ कार्य कभी मत कीजिए। क्यों मत कीजिए कि सिंदूर जो है पति के हाथों से लगाना शुभ नहीं होता। दो बार ही सिंदूर पति के हाथों से लगता है, एक लास्ट में और एक शादी के समय, तो ऐसा सौभाग्य होता है जिन औरतों का, जिन महिलाओं का दूसरी बार पति के हाथ से वो सौभाग्य उनको प्राप्त होता है। भगवान करे सबके जीवन में वो सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो, हमें प्राप्त हो, तो इसलिए आपको कभी पति के हाथ से दोबारा सिंदूर आपको नहीं लगवानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ करवा चौथ में पक्का हस्बैंड के हाथों से सिंदूर लगवा लेते हैं, जो कि शुभ नहीं होता, ना आपके लिए होता है ना पति के लिए होता है। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम क्या है, और वो भूल तो नहीं है फिर भी बता देती हूँ कि आप लोग पूछते हैं कि दीदी बायना जो है वो हम सास नहीं है तो किसको दें। देखिए सास नहीं है तो जितनी नियम विधि है ना वो आपको खुद से करनी चाहिए। सर्गी वगैरह भी बहुत घरों में मतलब बहुत सारे राज्यों में सास देती हैं, वही खाकर बहुएं जो हैं सर्गी करके मतलब खा पी कर अपना व्रत रखती हैं। लेकिन नहीं है तो एकदम फ्री माइंड से आपको खरीद लेनी चाहिए, जो पूजा में जो सर्गी में आपको खानी है, जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, आप एकदम आराम से खरीदिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी सास नहीं है तो आप सर्गी किसको दें, तो आप अपने घर में जो ही आपसे ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, उनको आप दे सकती हैं। जैसे आपकी जेठानी है, बड़ी ननद है, वो भी नहीं आपकी माँ है, तो इस प्रकार से आप उनको दे सकती हैं। अगर वो भी नहीं है, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं दे सकते, तो आप रख दीजिए उन सभी चीज़ों को,
किसी भी कन्या के शादी में, आपके घर में बेटी बहन की शादी तो होती होंगी, नंद बेटियों की, उसमें आप दान कर दीजिए। तो इस प्रकार से भी आप उनको दे सकते हैं। तो यही हमारे कुल 7 नियम थे, जिसमें कुछ गलतियां हैं और एक नियम है जो मैं आपके साथ शेयर कर दी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और प्यार से करवा चौथ का व्रत मनाइए।